अक्सर आप अगर अबव टू 50 एज के ऊपर 60-70 जो भी हो अगर आप जाते हैं तो हमेशा कोशिश करें रात को सोने के पहले हेड असर जो हेड हमेशा ये आपको दक्षिण होनी चाहिए साउथ दिशा और पैर होना चाहिए उत्तर। इसके पीछे रीजन कारण क्या वैज्ञानिक कारण देशांतर से टच होता है और आपको बॉडी फिट रहेगा। जब भी आप सुबह उठें तो सबसे पहले बिस्तर छोड़ने के पहले आपके दोनों बॉडी को सीधा कर देना होगा इस तरह से, और सिस्टम को पहले आप चेक कीजिए अपने को कि आपका सिस्टम ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले दाहिना हाथ उठाइए और उंगली पर चेक कीजिए, उंगली को आप चेक करते हैं फिर इसे रिस्ट को घुमाइए, रिस्ट को घुमाने के बाद एल्बो इसको घुमाइए, तब उसके बाद राउंड ऑफ नेक ऐसे घुमाइए, यानी कि आपका दाहिना हाथ का सिस्टम ठीक है। यही प्रक्रिया आपको बाएं हाथ में भी करना होगा। सिस्टम को तोड़िए, मिलाइए, घुमाइए, एल्बो देखिए फिर घुमाइए, फिर उसके बाद आप उठने का कोशिश करें। अगर आप कोशिश करें अगर आपके पास ज़रा भी एनर्जी है अगर सीधा उठते हैं तो और बेहतर होगा, आपकी आयु 10 साल से ऊपर बढ़ सकती है। जैसे नहीं उठ पाते तो आप किस तरीके से आप बिस्तर से उठ सकते हैं, दोनों हाथों को बिस्तर से हरा लीजिए और कोशिश कीजिए जैसे ही आप ऐसे उठते हैं तो पेट पर दबाव पड़ेगा और आपका पेट का पोर्शन ये है जो स्कर्ट मसल्स है बैक होगा, कि दोनों पैर को मिलाइए, दोनों पैर को मिला करके तब कोशिश कीजिए इस तरह से, फिर बॉडी सीधा बैठ करके सर को चेक करने के लिए राइट घुमाइए, लेफ्ट घुमाइए, फिर स्ट्रेट कीजिए, फिर अप कीजिए इस तरह से, फिर उसके बाद दोनों हाथ को खोलिए और दोनों हाथ को खोल खोल के पहले अपने कानों को चेक कीजिए, यानी ऐसे करते हैं तो रात का पूरा सिस्टम कान का ही खुल जाएगा। आँख को ऐसे मलिए इस तरह से मल करके, फिर हाथों हथेलियों को कम से कम 5 से 7 बार मलेंगे, अमल करके जिसे स्नान करते हैं आपको बिस्तर पर स्नान करना आप करें आप, फिर उसका तो ऐसे बालों को ब्रशिंग करें, ब्रशिंग करके सारा मसल को कम से कम 5 बार 1, 2, 3, 4, 5 इस एक्सरसाइज करने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। अब बिस्तर से उतरे कैसे, तो बिस्तर से उतरने के पहले आप जैसे दोनों पैर को नीचे लाते हैं तो कोशिश करें पैर और दोनों पंजा को अगर आप जमीन से स्पर्श कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी आयु 10 साल से ऊपर बढ़ेगी। जैसे ये दोनों पैर रखिए, जैसे आप दोनों के स्तर से टच करेंगे तो पूरा ग्रेविटेशन एक्शन ने गुरुत्वाकर्षण की जो प्रतिक्रियाएं अंदर से पूरा बॉडी में जाएंगी और जब आप उठेंगे तो स्ट्रेट करके झाड़ेंगे तो लगेगा यू आर फिट। चलते हैं दूसरे क्लिक सीधे किचन की तरफ। अपने सुबह उठ करके सबसे पहले आप कोशिश करें आप किचन में जाएं, किचन में आप जाते हैं तो सबका किचन का अलग अलग स्टाइल है सभी का, कोशिश करना चाहिए कि किचन के भीतर सुबह मॉर्निंग के अगर एवरी मैन एवरी पर्सन एवर से 50 से ऊपर के लोग अगर आते हैं तो आप स्वयं एक व्यवस्था करें कि गर्म पानी पीने की आदत लगे। जैसे एक स्वच्छ सस्ता ये मिलता है आपको गर्म करने का मशीन, और कुछ मत करें इसके भीतर इसमें पानी डालें आप, ये मुश्किल से 500 से 700 रुपये तक आता है ये, इसको बंद करें। अब बंद करके आप सीधा एक ये इलेक्ट्रिक सिस्टम है इसमें देख सकते हैं आप, इसको रखिए और इसको ऑन कीजिए, और जैसे करेंगे ऑन मुश्किल से 2 मिनट समय लगता है। ये आप देखिए पानी गर्म हो गया, पानी पर निकालिए और सब किचन में आप इसको रख करके सबसे पहले आदत लगाइए बिस्तर से उठकर गर्म पानी लेके डाले। अगर आपके पास संभव अगर नींबू हो, नींबू ना भी हो सब फिर इसको सुरक्षित जगह रखते हुए आप इस गर्म पानी को सीधा एकदम स्ट्रेट, अलग नियम है कि कहा भी गया है कई धर्मों में भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन इसमें मजबूरी मॉर्निंग के सिस्टम यह है कि बॉडी को सीधा करके इस तरह से मोड़ करके पेट को झुका करके इस तरह से अगर पानी पीते हैं सीधा पानी सिस्टम से तो रेक्टम से लेकर नीचे इंटेस्टाइन तक आपको ब्रशिंग कर दिया गया, यानी ये शुरुआती स्टाइल है। अब
उसके बाद करके अब आप कोशिश करें कि आप ब्रशिंग करें, अब ब्रशिंग करें, फ्रेश फिनिश करें और फिर अपने टॉयलेट की तरफ बढ़े। अब फिर बात दिखाते हैं सेकेंड थर्ड क्लिप आई हेल्पर। जो भी आप घर में अगर आपके बाल बच्चे चाहे आप स्वयं अगर आप कोशिश करें कि जहां आप ब्रश करते हैं एक शीशा की व्यवस्था होनी चाहिए, उसका उस समय मॉर्निंग कम से कम इसको एयर आपको बॉडी में आना चाहिए, ओरिजिनल ऑक्सीजन आना चाहिए। बहुत से आप देखेंगे कि बंद कमरे में लोग बंद कर देते हैं, ब्रश करते हैं, दैट इज रॉन्ग। ब्रश करने के सबसे पहले करते हैं तो आप कुछ नहीं, कुछ करना नहीं है आपको, शॉर्ट में बता रहे हैं आपके वीडियो के रूप में बॉडी हेल्थ। ये जो हमारा ये वीडियो है हमारा 52 एवेक्ट टू है, इस ब्रश को देखें हमेशा इसको इस तरह से आप डालेंगे, ऐसे इस तरह से होना चाहिए। आप कोशिश करें कि ब्रशिंग का स्टाइल पहली बार आप हमारे यूट्यूब पर आप देख रहे हैं फॉर हेल्थ फॉर मैक के लिए, इसको सीधे करके अब कैसे ब्रशिंग किया है तो वो भी अपने हम क्लिप थ्रू बता रहे हैं। उसको ज्यादा रगड़ना नहीं है, इसको जो मसल्स है मसल्स को भी आप ब्रशिंग कीजिए। इस तरह से ब्रशिंग करते हैं तो ये कुछ ब्रशिंग से फायदा है कि पूरा जो ब्रशिंग का जो रात के खाया होकर फंसा होगा तो आप उसमें निकाल सकते हैं। मुश्किल से आप 2 से 3 मिनट ठंडे करके आज को आप धो करके फिर आप प्रक्रिया के दिन आप इसको ब्रश को धोते हुए आपको ये करने का इसमें भी एक एक्सरसाइज है। सपोज सबसे पहले मुंह के साफ कीजिए, जब भी आप पानी ले ये मॉर्निंग वॉशिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इस पानी को लेकर के आप आपको स्ट्रेस करेंगे ये आपको मसल्स इसी समय आप मॉर्निंग करते हैं सूत्रों से तो सारे जो प्रक्रिया मुंह का और आपको कोई एक्सरसाइज हो गया आपका सिस्टम फिट हो गया और हल्का से इस पानी डालते हुए ये करते हुए इसको कोशिश करें कि इसको अगर ब्रशिंग कर देते हैं तो यानी कि यार फिट आप स्नान नहीं आपका मॉर्निंग वॉशिंग इस पर स्नान कर सकते हैं। इसका करने के अब नाउ इस प्रक्रिया करने के बाद अब आप कोशिश करें, बहुत लोग चाय पीते हैं चाय पी आदत नहीं होने से इसके बाद कोशिश करें कि अंदर को सिस्टम को टॉयलेट के अंदर जा करके आप जाएं और इसका यूज करें आप निकले। अब यानी कि आप फिट अब मॉर्निंग का अब आपका बॉडी अब खोज रहा है आपको। जैसे सपोज हम भीतर गए, भीतर चलेगा भीतर रखें अपना, अब आप बाहर निकले अब कोशिश करें आपको दिखाएंगे अभी जो आपको वॉकिंग हल्का जो वार्म अप फील्ड में होगा। ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ये ड्रेस है फॉर द इन आपके घर का भीतर का मॉर्निंग। लेकिन इसके बाद अब जो एक्सरसाइज करेंगे आप कोशिश करेंगे पूरा बॉडी को किस तरह के कपड़े 50 to 60 एवरेज को पहनना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लिप में देखें, अब चलते हैं क्लिप हल्का एक्सरसाइज वॉकिंग कैसे प्रक्रिया करके जो आप आते हैं फील्ड में मॉर्निंग का वक्त है कि अब आपको हल्का एक्सरसाइज उतना ही करना है तो एज के मुताबिक 50 to above। सबसे पहले सिस्टम को आप एक्सरसाइज इतना हार्ड ना करें किसी बॉडी के भीतर से कोई पोर्शन की इंजुरी हो जाए। अगर आप बहुत अधिक पेशेंट है तो उसके लिए नहीं है बल्कि उनके लिए है जो मीडियम क्लास के फिट हैं। तो 50 to 60 ईयर को केवल चाहिए आवे ये सीधा खड़ा होकर के केवल दोनों पैर मिला करके उसको कम से कम 10 बार करना है। एक दो इस तरह से अगर 10 बार कम से कम करते हैं तो इस सिस्टम से पूरा बॉडी का एक सिस्टम बहुत बेहतरीन और राइट यूरिक एसिड कई रोग आपके से दृष्ट भाग सकता है। उसको छोड़ दें तब फिर दोनों हाथ का आप उठावें और दोनों हाथ को एक्सरसाइज करें। ये दिस स्टाइल आप थोड़े नीचे रह सकते हैं, आपको जंपिंग का कोई आवश्यकता नहीं। ये एक को कम से कम 10 से 20 बार अगर आप करते हैं तो और बेटर है। इसे करने का अगर पूरा बॉडी का राइट लेफ्ट पोर्शन आपका फिट रहेगा। और तीसरा आसन क्या करना है कि अब आपको हल्का जॉगिंग करना है इस तरह से, कोई भी कर सकता है। इसमें अब खड़े खड़े भी अब
बॉडी को करते हैं अगर आप 10 से कम 20 बार कर सकते हैं इस तरह से। चौथा एक्सरसाइज है कि कल आप बैक टू पोर्शन करके ये सामने से पोर्शन को से दोनों पैर को खोल करके वो जितना आपसे खुल सके दोनों हाथ ऊपर कीजिए फिर नीचे लाइए इस तरह से कम आप पूरा करते हैं तो रोकने का कोशिश कीजिए। फिर आप ऊपर जाइए फिर नीचे जाइए फिर कमर पकड़िए फिर स्ट्रेट जाइए फिर नीचे जाइए इस तरह से अगर आप करते हैं तो 10 मिनट तक करते हैं तो इससे बेहतर विकल्प सर बॉडी का फिट करके नेक्स्ट भी एक सबसे हल्का एक्सरसाइज है कि केवल कुछ नहीं है आप दौड़ने की प्रैक्टिस करें हल्का से केवल 2 स्टेप। अगर इस तरह स्टेप करते हैं तो बॉडी के भीतर का जो जेनेटिकली जो सिस्टम है वो बिल्कुल आपको यंग है सब ट्रीट करेगा। अप 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 इस तो ये इस एक्सरसाइज के बाद आपको हल्का सा चूंकि एज के मुताबिक थोड़ा सा जब अगर महसूस हो तो एक मिनट रेस्ट लेकर जब भी आप रेस्ट लें तो मुंह बंद रखें। मुंह बंद करके क्या करना है तो मुंह के सांसों को फेंके बाहर के अंदर के सांसों को अंदर लें कम से कम 10 बार अगर आप करते हैं तो क्या होगा भीतर के सिस्टम जो अलोम विलोम रामदेव बाबा जो कहते हैं उस प्रक्रिया के तहत में आ जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट भी फिर बॉडी को सीधा करते हुए फिर आप इतना ही एक्सरसाइज अब बताते हैं कि आप कम से कम आपको 20 मिनट का वॉकिंग कैसे किया जाता है। अब वॉकिंग का मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सपोज यहाँ से केवल 1 मिनट के भीतर आप बताते हैं कि वॉकिंग करना है कम से कम 20 मिनट तो कैसे 20 मिनट करेंगे वॉकिंग में वॉकिंग फास्ट होना चाहिए और दोनों हाथों का एक्सरसाइज होना चाहिए। इसमें शुगर के पेशेंट लेकर सभी का फायदा क्या होगा हमेशा इस तरह से ये ढंग से अगर आप वॉकिंग करते हैं कम से कम रुक करके जितना आपसे संभव है आप इस तरह करें कम से कम इतना आपसे संभव है आप तब तक करेंगे अगर उसके अगर आपके बॉडी के भीतर अगर आपको पसीना आ गया तो समझिए कि सक्सेस सेल्स टूट गया और आपको वॉकिंग टाइम आपको यही इस तरह से आपको बंद कर देना है। अब बंद करके फिर आपको उसी स्टाइल में मुंह पोछते हुए करके चलिए ये हुआ फिजिकल स्टाइल। अब ले चलते इसके बाद जब तक म्यूजिक नहीं डांस नहीं मेंटल को उसको कैसे स्वस्थ रखा जाए ले चलते हैं म्यूजिक। मैंने बताया कि सुबह कैसे बिस्तर सूखा जाता है अब तक मैंने आपको बताया कि कैसे इसमें हल्का एक्सरसाइज किया जाता है अब तक मैंने बताया कि अब आपको वॉकिंग कैसे किया जाता है अब बताते मस्ती एक्सरसाइज जब तक मेंटली मानसिकता से अगर आप फिट नहीं हो तब तक आपका शरीर में 2 भाग होता है कि इंटरनल मेंटल हेल्थी ये मैंने जो भी बताया आप खुद करके बताया अब आपको बताते हैं मेंटल रिलैक्स कैसे रहे कुछ हल्का से डांस बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए अगर नहीं शर्माएंगे मस्त रहिए कैसे रहिए आप स्टार्ट करते हैं। सपोज ये बॉक्स है आप भी खरीद सकते हैं छोटा बड़ा ये सब इस वीडियो को आप स्टार्ट कीजिए ये इस वीडियो को आप स्टार्ट करें देखिए इसमें क्या करना आपको केवल एक एक पोर्शन को कोशिश करके स्टेप को ऐसे उठाइए बॉडी से लाइए Thank you.
से कम कोशिश कीजिए, 2 से 4 मिनट काफी है। इसे आपको यहाँ से लेकर यहाँ से इंटरनल मेडिकल के फिर उसके बाद सेकेंड आप इस पर ले सकते हैं। इसे बैठा है बॉडी को हीटर सिस्टम। अब ये हाथ है, काफी है। नमस्कार, अब देख सकते हैं कैसे हल्का सा नाश्ता करने का उसी पर बैठने का स्टाइल। अगर आप एज 52 एवब के हैं तो आपको कम से कम कैसे खाना खाना चाहिए उसके पहले जब कुर्सी पर बैठे तो आप कोशिश करें कि पेट का पोर्शन को आप खाने से झुकाए नहीं। अगर झुकाएंगे तो सारा फैट जमा हो जाएगा, उन्हीं लोगों का ज्यादा पेट तोंद निकलता है। उसके लिए क्या, सीधा हमेशा ऐसे बैठिए स्ट्रेट। आप कोशिश कीजिएगा थाली को इतने नजदीक रखिए कि आप खाना को उठा सकते हैं। ये सपोज कुछ भी खाना है, रोटी तोड़ना है तोड़िए, चम्मच से खाइए, इस तरह से खाइए। और खाने के बाद मुश्किल से 1-2 मिनट के बाद आप पानी कभी पूरा नहीं पियेंगे, हल्का सा पानी उतने ही पियेंगे कि जितना आपको महसूस हो कि खाना को एडजस्ट करके बॉडी के नीचे चला गया। जब भी आप खाना खाएं, नाश्ता करें, बॉडी को सीधा रखें, बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करें, उसका पड़ेगा कुप्रभाव। इस तरह करें और फिर सिस्टम उठना हो तो आप से उठें और फिर प्रक्रिया करने चले गए। ये हमारा अब तक का वीडियो मैंने दिखाया नाश्ता खाने के स्टाइल। अब देख चलते हैं कि वर्किंग स्टाइल पर किस बातों पर ध्यान रखना। इसी से मैं लंच, अगर आप एज 52 एवब के हैं तो आपको कम से कम कैसे खाना खाना चाहिए उसके पहले जब कुर्सी पर बैठे तो आप कोशिश करें कि पेट का पोर्शन को आप खाने से झुकाएं नहीं। अगर झुकाएंगे तो सारा फैट जमा हो जाएगा, उन्हीं लोगों का ज्यादा पेट तोंद निकलता है। उसके लिए क्या, सीधा हमेशा ऐसे बैठिए स्ट्रेट। आप कोशिश कीजिएगा थाली को इतने नजदीक रखिए कि आप खाना को उठा सकते हैं। ये सपोज कुछ भी खाना है, रोटी तोड़ना है तोड़िए, चम्मच से खाइए, इस तरह से खाइए। और खाने के बाद मुश्किल से 1-2 मिनट के बाद आप पानी कभी पूरा नहीं पियेंगे, हल्का सा पानी उतने ही पियेंगे कि जितना आपको महसूस हो कि खाना को एडजस्ट करके बॉडी के नीचे चला गया। जब भी आप खाना खाएं, नाश्ता करें, बॉडी को सीधा रखें, बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करें, उसका पड़ेगा कुप्रभाव। इस तरह करें और फिर सिस्टम उठना हो तो आप से उठें और फिर प्रक्रिया करने चले गए। ये हमारा अब तक का वीडियो मैंने दिखाया नाश्ता खाने के स्टाइल। अब देख चलते हैं कि वर्किंग स्टाइल पर किस बातों पर ध्यान रखना। क्योंकि लोग होते हैं, हर व्यक्ति को काम करने का अलग ऑफिशियल ट्रीट होता है, कोई कैसे स्टडी करना होता है, लेकिन आपको हम बताएंगे कि कभी घर के ऑफिस या बाहर अगर आप काम करते हैं तो उसमें तो बैठने के स्टाइल एक डेमो ग्रुप में दिखाते हैं। सपोज ये आपका टेबल हुआ, ये आपको चेयर हुआ, आप चेयर को रखें, कैसे ऑफिस में बैठ करके आप काम करें। ले जब भी आप कुर्सी को बैठे तो याद रखें कि बॉडी को आपको सीधा इस तरह रखना है, ऐसे कभी भी आप इस तरह झुक के काम ना करें। जब भी काम करना स्ट्रेट काम करें और कोशिश करें, एक ऊंचा टेबल वाला भी आता है, आप स्ट्रेट करके भी ऐसे काम कर सकते हैं। लेकिन प्रायः आप अगर स्ट्रेट बैठते हैं तो आप अपना ऑफिशियल दांत देखना जो भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे घड़ी देखें, जब करीब 35 से 40 मिनट की अवधि में लगातार एक कुर्सी पर एक स्टाइल में बैठे रहते हैं तो कोई किसी तरह बहाना से कुर्सी पर आप सीधा फिर उस कुर्सी को छोड़ दें। और कुर्सी को छोड़ करके कम से कम बाहर निकल करके बॉडी इस तरह से जो भी आप हो सके बॉडी को टहल करके आप कोशिश करेंगे तो आपका फिट बॉडी उसी नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगा। तो आपको शुगर से कई बीमारियों से आप बचे रहेंगे। फिर दोबारा आप
कुर्सी पर बैठे, हमेशा जब भी वर्किंग पर डिस्पोजल करें तो इस तरह से बैठ करके आप काम करेंगे, इस हैबिट से आपका स्वास्थ्य बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेगा। ये छोटा सा क्लिप, फिर आप उठें, अब चलते चलते मेरा अंतिम एक मेरा आम लोगों से आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, विनम्र है कि हमने जो फिजिकल रियल इन्वर्सल हमने जो वीडियो बनाया सभी के लिए, वैसे ये वीडियो हो जाए जिसका उम्र 50 साल से अबव जो हो जाते हैं, आप कतई न घबराएं। दो बातों को आपको ख्याल रखना है, कभी आपको मन के भीतर ये न सोचें कि आप बूढ़े हो गए हैं, हमेशा आप सोचें कि आप यंग लड़कों से आप कम नहीं है, आपका सिस्टम ठीक है तो आप यंग हैं, आपके जो भी बॉडी का हरकत एक एक पोर्शन को हिलाते डुलाते रहिए, मन को प्रसन्न रखिए, मन को कभी टेंशन न लीजिए, टेंशन उपाय भगाने का सिद्ध उपाय है, म्यूजिक से जुड़े रहिए, कल की बात मत सोचिए, परसों की आवा उसकी बात न सोचें, आप वही सोचें कि आज क्या करना है और कल क्या करना बाकी है, डेढ़ दिन के हिसाब अगर आप लेके चलते हैं, हम दावा करते हैं कि आप कभी नहीं होंगे बूढ़े, अपने हमेशा अंदर फिट एंड फाइन, टेंशन दूर, टेंशन समस्याओं को कभी समस्याओं से जूझने का सीखें, समस्या को ढोने का आवश्यकता है, जो समस्या तक ढोया है उस व्यक्ति की असामायिक जल्दी मौत होती है, लेकिन नहीं, मौत आपके हाथ में है, इस तरह से अपने को प्रकृति में अपने फिट रखे, यमराज भी अगर आपको लेने के लिए आए कि नहीं आप जाइए, अभी हमको 100 साल जिंदा रहना है, बस इन्हीं शब्दों के साथ स्माइल, ऑलवेज बी लिव 100 ईयर्स, थैंक यू, धन्यवाद।